नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। सरकार के द्वारा लगातार जारी की गई तमाम योजनाएं धरातल पर क्या दिखेंगी, लाखों लाख से आप कह सकते हैं अरबों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद किसी योजना को पास करवाया जाता है और उस योजना में खर्च करने वाली सरकार ये कहती है कि सरकार के द्वारा ये योजनाएँ धरातल पर उतारी गई है। वास्तव में धरातल पर उतरी हुई योजनाओं का प्रारूप क्या है, हम अपने कैमरा जॉइंट से कहेंगे कि हमारी हेल्प करें और आपको ये विजुअल दिखाएं कि झाझा का बस स्टैंड ये है और इसका उद्घाटन सितंबर महीने 2020 में हुआ था और ये 1,54,00,000 का प्रोजेक्ट है जो सरकार ये दावा करती है कि ये योजनाएं सरकार के द्वारा जो धरातल पर उतरी है कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। 1,54,00,000 के इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। आपको बता दें कि 1,54,00,000 के इस प्रोजेक्ट का क्या हाल है, आप खुद देख सकते हैं। ये एक कहावत नहीं है, हाथी की दांत दिखाने का वही है। ये 1,54,00,000 की योजना है बिहार सरकार के, ना कोई यहाँ बस है और अभी से दीवार दरार पड़ रही है, एकदम बेसुध पड़ा हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम सरकार से और हमारे जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि जो शहर में जाम की स्थिति बनी हुई रहती है, रोड पे आवागमन इतना व्यस्त है कि कोई अपराधी भाग रहा हो तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग फेलियोर हो जाते हैं, रास्ता जाम, यहाँ गाड़ी वहाँ ये, तो इसीलिए हम जिलाधिकारी से भी मांग करते हैं कि इस बस स्टैंड की जल्दी से जल्दी जनोद्धार हो और यहाँ पे बस लगना शुरू हो जाए। ये चालू नहीं हुआ है, अभी तक चालू हो जाना चाहिए था। इसको चालू होने से यहाँ का थोड़ा आवागमन भी स्थायी रूप से जो जाम लगता है वो थोड़ा कम लगेगा और यहाँ का बगल बगल का युवा को लोग को भी रोजगार मिल जाता है यहाँ पर लगता तो, और लगने से बहुत आवागमन भी बढ़ जाएगा आदमी का, थोड़ा प्रोग्रेस होगा हमारे झाझा का। अभी तो फिलहाल ये जाम पूरा जो है बस स्टैंड जब बना है तो सरकार से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द चालू करें।